हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पंजवानी अगेन। दोस्तों, आज हम सीखेंगे ओरिकल में डिलीट कमांड, कैसे हम किसी रिकॉर्ड को डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने डेटा सर्च किया स्टूडेंट टेबल से, तो मुझे ये तीन रिकॉर्ड्स यहाँ पे शो हो रहे हैं। अब मुझे अगर डिलीट करना है तो मैं डिलीट की कमांड यूज़ करूँगा। उसके लिए कमांड होती है डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम। अगर मैंने लिखा डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट, क्योंकि हमने ये नहीं बताया कि किसको डिलीट करना है, हमने केवल ये बोला स्टूडेंट टेबल से डिलीट करना है, तो सब डिलीट हो जाएगा। तो मैं इस कमांड को अगर रन करता हूँ तो आप देखेंगे मैसेज आ गया, थ्री रोस डिलीटेड, तीन रिकॉर्ड्स क्या हो गए, डिलीट हो गए। बट हम किसी पार्टिकुलर को डिलीट करना चाहते हैं। जैसे अब मैं सर्च करूँगा, अगर मैंने सर्च की कमांड यहाँ पर लिखी सिलेक्ट स्टाफ फ्रॉम स्टूडेंट, तो मुझे कोई भी रो सेलेक्ट होके नहीं मिली, मतलब कोई भी रिकॉर्ड सर्च होके नहीं आया, क्योंकि तीनों रिकॉर्ड जो थे वो डिलीट हो चुके हैं। अब मुझे दोबारा से इसमें डेटा इंसर्ट करना पड़ेगा, तो मैंने इंसर्ट कमांड लगा दी, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम था स्टूडेंट और वैल्यूज, तो मुझे तीन वैल्यूज़ यहाँ पे देनी है। मैंने आईडी दे दिया 1 और कुछ नाम दे दिया AAA, और मैंने कुछ सेमेस्टर दे दिया। सेमेस्टर को मैं सिंगल कोट्स के अंदर लिखूंगा, क्योंकि उसका डेटा टाइप मैंने वेरकेर रखा था। ठीक है, तो एक रिकॉर्ड क्रिएट हो गया। इसी तरह मैंने कुछ और रिकॉर्ड इंसर्ट कर दिए, मैंने आईडी यूज़ कर ली 2, कुछ नाम दे दिया BBB और सेमेस्टर दे दिया, एंटर किया, दो रिकॉर्ड्स इंसर्ट हो चुके हैं। एक और रिकॉर्ड मैं इंसर्ट करता हूँ, आईडी रख दी मैंने 3 और कुछ नाम दे दिया और कुछ सेमेस्टर दे दिया। ठीक है, तो अब आप अगर डेटा सर्च करके देखेंगे, सर्च करने के लिए हम देखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम, टेबल का नाम था स्टूडेंट। ठीक है, तो आप देखेंगे कि तीनों रिकॉर्ड्स यहाँ पे सर्च होके आ गए, जो अब अभी हमने इंसर्ट किए थे। अब मुझे किसी पार्टिकुलर को डिलीट करना है, जैसे मैं चाहता हूँ जिसकी आईडी 2 है वो डिलीट हो जाए, उसका आईडी भी, उसका नाम भी, उसका सेमेस्टर भी, सब कुछ डिलीट हो जाए। तो अब मुझे जो डिलीट की कमांड लिखनी पड़ेगी, उसके लिए सिंटेक्स रहेगा डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम स्टूडेंट, इतना लिखने से सब डिलीट हो जाएगा। बट सब डिलीट नहीं करना है, मुझे केवल जिसकी आईडी 2 है उसी को डिलीट करना है। तो मैंने लिखा वेयर आईडी इक्वल टू 2, है ना, जिसकी आईडी 2 है केवल वही डिलीट होना चाहिए। तो जिस जिस स्टूडेंट की आईडी 2 होगी वो सारे स्टूडेंट डिलीट हो जाएंगे, बट ऐसा एक ही स्टूडेंट है जिसकी आईडी क्या है, 2 है। ठीक है, तो आपको मैसेज आएगा 1 रो डिलीटेड, क्योंकि पहले चेक किया 1 2 के इक्वल नहीं है, डिलीट नहीं होगा, 2 2 के इक्वल है तो ये डिलीट हो गया, 3 2 के इक्वल नहीं है तो डिलीट नहीं हुआ। अब आपने दोबारा सर्च करके देखा तो आप देखेंगे जिसकी आईडी 2 थी वो यहाँ से हट चुका है, डिलीट हो चुका है। ठीक है, तो ये थी डिलीट कमांड। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कुछ नया देखते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।